तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेओवर और ट्रांजिट के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे पैसे ख़राब कर देते हैं जब अपनी टिकट बुक करते हैं। जब आप ऑनलाइन टिकटें चेक करते हो किसी वेबसाइट में, जैसे स्काई स्कैनर, वीगो, तो आपको वहाँ काफ़ी सस्ती फ़्लाइटें दिखती हैं। तो जब आप सस्ती फ़्लाइटें दिखती हैं, उस चक्कर में आप फंस जाते हो और कोई ना कोई टिकट बुक कर लेते हो सस्ती देख के। लेकिन उसमें काफ़ी बातों का ख्याल रखना होता है। मैं ऐसे ही टिकट बुक करता हूँ, सस्ती ही फ़्लाइट बुक करता हूँ। जैसे मेरी अमृतसर से बाली तक की टिकट थी 11,000 की। अगर मैं दिल्ली से आता तो वही टिकट मुझे 30,000 की पड़नी थी। तो ऐसे पैसे बहुत सेव हो जाते हैं, लेकिन लोगों के पैसे भी बहुत ख़राब होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप सस्ती टिकटें बुक करना चाहते हो तो इसमें आपके काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाएंगे। सबसे पहले इस बात का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरी फ़्लाइट थी अमृतसर से बाली की और लेओवर था 3.5 घंटे का सिंगापुर में। तो इसमें जो लेओवर था ना, उसमें सेल्फ़ ट्रांसफ़र नहीं था। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सेल्फ़ ट्रांसफ़र ना हो उसमें। अगर वहाँ सेल्फ ट्रांसफ़र होता ना, तो मुझे इमिग्रेशन के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू दोबारा मुझे चेक इन करना पड़ता। तो अगर आपका सेल्फ ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ ले ओवर है, तो आप उस टिकट को बुक कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको दोबारा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ता। जैसे मेरी फ़्लाइट अमृतसर से सिंगापुर आई और सिंगापुर से फिर बाली, उनका PNR नंबर एक ही था और दोनों ही बोर्डिंग पास हमें अमृतसर में मिल गए थे। तो अगर आपका सेल्फ़ ट्रांसफ़र वहाँ आ रहा है, तो सेल्फ़ ट्रांसफ़र में आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए या तो फिर उस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मेरा ही सिंगापुर में मान लो सेल्फ़ ट्रांसफ़र होता, तो फिर मुझे वहाँ का ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए था या तो मुझे टूरिस्ट वीज़ा चाहिए था। जैसे कई कंट्रियों के रूल होते हैं, अगर जैसे सिंगापुर का रूल है कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, UK वीज़ा है और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वीज़ा है, तो आप 24 आवर के लिए वहाँ एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर सकते हो। तो उसके भी कुछ रूल होते हैं, उसमें भी आप पहले उसको रजिस्टर करना होता है, फिर वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हो। जितनी भी मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, तो ये मेरा कोई मैंने वीडियो देख के नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे ट्रैवल किया है, उसके ही बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। और एक और एग्ज़ाम्पल दे के मैं आपको बताता हूँ, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ट्रांजिट वीज़ा और लेओवर के बारे में। ये मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से अबू धाबी, अबू धाबी से यरेवान आर्मेनिया। इसमें क्या था, इसमें हमने टिकट बुक कराई थी इतिहाद एयरवेज़ की दिल्ली से अबू धाबी, और अबू धाबी से हमने टिकट बुक कराई थी विज़ एयर की यरेवान। हमने देखा कि वहाँ के रूल क्या हैं, अबू धाबी एयरपोर्ट में ट्रांजिट का रूल क्या है। तो वहाँ पे रूल था 8 घंटे का लेबर होना चाहिए आपका, फिर ही आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा। उस टाइम वीज़ा बिल्कुल फ्री था, तो हमने फिर ये दोनों टिकट बुक करी और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया, और वीज़ा हमें 1-2 दिन में मिल गया था। तो ऐसे रूल देखने पड़ते हैं जहाँ से आपने ट्रांजिट करना है। तो इसको सेल्फ ट्रांसफ़र बोलते हैं। हमारी इमिग्रेशन हुई थी, हम अबू धाबी से एग्ज़िट भी कर गए थे, तो फिर हमने दोबारा विज़ एयर के काउंटर पे गए और फिर हमने वहाँ से फ्लाई किया। तो इस एयरलाइन से भी हमारे पैसे सेव हुए। अगर हम डायरेक्ट दिल्ली से यरेवान जाते तो हमारे 35,000 लगने थे। तो हमारी टिकट वो भी 11,000 के आसपास थी, दिल्ली से अबू धाबी, और अबू धाबी से फिर आगे यरेवान 5,000 की, तो 17,000 थे। 17,000 में हम आर्मेनिया पहुँच गए थे। ये थे इंटरनेशनल ट्रांजिट वीज़ा और लेओवर के बारे में बात। आपने सेल्फ ट्रांसफ़र नहीं लेना। और एक और बात, अगर सेल्फ ट्रांसफ़र 1 घंटा या 1 घंटे से कम है, 1.5 घंटा है, तो वो भी आपने टिकट नहीं बुक करनी, क्योंकि कई बार होता है जो जाने की फ़्लाइट है वो डिले भी हो सकती है, और अगर वो डिले होती है तो नेक्स्ट फ़्लाइट आपकी निकल जाएगी। और एक बात, अगर आप इतना कम लेओवर रखोगे, तो इस लेओवर में कई बार होता है कि हमें फ़्लाइट से निकलते निकलते दूसरे टर्मिनल पर जाना होता है, तो उस टर्मिनल पर जाते जाते इतना टाइम हो जाता है कि आपकी फ़्लाइट निकल सकती है।
तो ले ओवर आपने 2.5-3 घंटे से ऊपर ऊपर ही रखना है। अगर आपका टर्मिनल चेंज हो रहा है, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त आया था बहरीन से, अमृतसर की फ़्लाइट थी इसकी, तो उसने ले ओवर 1 घंटे का ले लिया। जैसे वो फ्लाई करके दिल्ली पहुँचा तो उतरा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जब उसने अमृतसर आना था तो उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाना था। जब इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन होगी तो इमिग्रेशन तो करानी पड़ेगी ना, क्योंकि दिल्ली उतरा है, तो इमिग्रेशन करा के एग्जिट करके फिर डोमेस्टिक पे जाता। ऐसे उसका टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया और उसकी वो फ़्लाइट मिस हो। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो फ़्लाइटें तो बहुत सस्ती मिल जाती हैं, वीगो और स्काई स्कैनर पे आप सर्च करोगे काफ़ी फ़्लाइटें मिल जाती हैं, तो लोग उसके चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं तो पैसे ख़राब हो जाते हैं और आपकी जर्नी भी ख़राब हो सकती है। काफ़ी लोग जैसे यरेमान में देखा, यरेमान से आप सर्च करोगे ना दिल्ली की टिकट तो बहुत सस्ती आ जाती है, वहाँ विजियर के साथ, फिर आगे लेवर दिखाता है इंडिगो या विस्तारा का ना आगे, तो ऐसे टिकटें तो सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन उनको पता नहीं, कई लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ रूल क्या है एयरपोर्ट के अबू धाबी के, तो उसमें सारा ही मामला ख़राब हो जाता है। तो वो पहले चेक करना होता है, 8 आवर का लेवर चाहिए या आपको वीज़ा चाहिए, ये सारा कुछ देखना होता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो अगर और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।